सो फर्स्टली गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक ऐसी टॉपिक पे सीरीज आने वाली है जो टॉपिक के लिए मैंने जब देखा पहली बार ट्रेलर सब कि ये टॉपिक पे बननी चाहिए क्योंकि वी लिव इन द सोशल मीडिया लाइफ जहाँ पे रोज ऐसे मैसेज आते हैं. आई पर्सनली फील दैट कि इस टॉपिक पे आनी चाहिए. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस लाइक जब आपको पता चली अबाउट द स्क्रिप्ट? तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसके बारे में हम ओपनली बात करें, क्योंकि जैसे पहले हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते थे. बाद में जब हमने बात करनी शुरू की तो हमने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी एक हमारी परसेंटेज है जिनको शायद थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है या फिर थेरेपी उनको हेल्प कर सकती है. बट क्योंकि बहुत टाइम तक ये टैबू था तो लोग एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करते थे. मेरे को ज़ुकाम लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे को ज़ुकाम हुआ है, बट अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ परेशान कर रही है तो मैं इतना ओपनली शायद आपसे डिस्कस नहीं करूँगा. सिमिलरली जो एक वेब के दुनिया में मतलब इतने पॉपुलर होने से, सोशल मीडिया का इतना पॉपुलर होने से बहुत सारे ऐसे प्रेडेटर्स हैं सोसाइटी में जिनको एक नया रास्ता मिल गया है आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने का, उसके बाद आपको धमकी देने का, मैनिपुलेट करने का और आपसे जो चीज़ें वो चाहता है हैकर वो निकलवाने का. क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैकर्स की उनको लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकता हूँ और इनको धमका सकता हूँ तो फिर ये शायद इतनी कंफर्टेबली दूसरे लोगों से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि शायद कोई छुपाने वाली बात होगी. जबकि ऐसा मोस्टली नहीं होता, बट वो शेम के कारण जो हमें शायद आज की डेट में सोशल मीडिया पे मिल जाती है या फिर जो अपने लोग जज करने लग जाते कि यार तुमने ऐसे कैसे फंस गए, तुम्हें इतना भी नहीं समझ आया कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे. बट कभी कभी नहीं समझ आता. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे से जो एल्डर जनरेशन है जो कि इतनी टेक सैवी नहीं है वो ऐसे किसी लिंक पे क्लिक कर दे जिसकी उनको पूरी समझ ना हो और बाद में वो ऐसे किसी स्कैम का मतलब दे बिकम द विक्टिम ऑफ दैट स्कैम. तो इस बारे में बहुत ओपनली बात करना और सेक्सटॉर्शन के बारे में बहुत ओपनली बात करना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे फर्स्ट मतलब रिएक्शन इतने सारे थे अब कि यस मैं कुंज से एकदम अग्री करती हूँ. और जब फर्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास तो यू वोंट बिलीव मेरे फैमिली फ्रेंड के साथ ही हुआ हुआ था. ओके. यस, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड. और उन्होंने आई नो वो पूरा मतलब खुल के शायद वो नहीं बताएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन उनके साथ ही हुआ था, सिमिलर केस हुआ था. लड़की आई थी एंड आई थिंक उन्होंने वो उनका वो फेस का AI के थ्रू कुछ कुछ किया, मॉर्फिंग एंड ऑल, एंड ब्लैकमेल किया. फिर वो लोग लकीली बिकॉज साइबर क्राइम ये सब में गए उनका. बट यू नो आपके रेप्यूटेशन डैमेज होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है. आप और ख़ास करके जैसे सेक्स हो गया, प्लेजर हो गया, इन चीज़ों को लेके हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत टैबू है. अभी भी लोग ओपन नहीं हैं, लोग उसे रूढ़िवाद मानते हैं ना, काफ़ी वो ऑर्थोडॉक्स है अभी भी उन चीज़ों को लेके, विच इज़ फाइन. बट उस डर से ना लोग बाहर नहीं आते. यू नो कि अरे मेरे से गलती हो गई है, प्लेजर को मैंने इंपॉर्टेंस दे दिया या ऐसे दे दिया, और इसका फ़ायदा उठा दे कौन? स्कैमर्स. कि पता है भाई ये तो चुप रहेगा, ये तो भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए करेगा. जो इज्जत वाली बात आती है ना, इज्जत आपको ले डूबती है. यू नो कि भाई मेरी इज्जत है, आप इज्जत को कहीं और से कनेक्ट करो. लेकिन यू नो ये साइकोलॉजी जैसे कुछ ने कहा, साइकोलॉजिकल लेवल में वो खेलते हैं कि हमें एक वो पॉइंट मिल गया और बर्बाद कर देते हैं. नरेशन कैसा था आपकी किरदार के बारे में? नरेशन क्या था? बहुत फन नरेशन था एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं T2, सोनू और स्वीटी के, सो बेसिकली एक तो उसमें कैरेक्टर्स के थ्रू पहले ये बताने की कोशिश की है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये एक्चुअली में कितने आम लोग होते हैं. मतलब ये हम में से हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं, बट इनकी एक सीक्रेट पर्सनल लाइफ होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है. और उसमें स्पेसिफिकली ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं ये इसको एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरह लेते हैं, ये एक अपने स्टार्टअप जर्नी की तरह उसको लेते हैं, एक बिजनेस की तरह उसे कंडक्ट करते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि अगर हम लोगों को स्कैम भी कर रहे हैं तो उसका भी एक मेथड होना चाहिए, उसका भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसका भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से हमें इतना मिलना चाहिए. तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जनरली अगर मेरे जैसे कोई और नौजवान से पूछा जाए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो
तो वो जनरली बहुत ही मतलब कैसे क्या कहते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे कि मैं अपने करियर में ये करना चाहता हूँ, ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, या फिर एंटरटेनमेंट में ऐसा करना चाहता हूँ, ये कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पे एक मेरी एज का एक और लड़का है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रक्चर से बाहर जा चुका है, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही नहीं आता। क्योंकि अगर उससे पूछा जाए कि उसकी एस्पिरेशनल जर्नी क्या है, तो उसकी जर्नी ये है कि और अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के लोगों को और बेहतरीन तरीके से स्कैम करना, और वो ही उसका बिजनेस है। तो उसके लिए वो उसका बिजनेस है, वो उसको वैसे देखता है। तो नरेशन में मेरे को ये जो पर्सपेक्टिव था बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए ये बंदा बिल्कुल हो सकता है पर्सनली अगर मेरे से ओपिनियन मांगा जाए तो ये बंदा नीच है शायद, ठीक है, ये बंदा शायद बहुत ही बुरा है, लेकिन जैसे ये बंदा खुद को देखता है और खुद के बिजनेस को देखता है वो बिल्कुल अलग है। तो उस नज़रिए से वो कहानी को समझ पाना तो वो बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि मेरे आज तक दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं किसी तरह ये स्कैम करके ऐसे मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा और फिर धीरे धीरे कैपिटल सेव करके ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मुझे मिलेंगे। तो ये एक कम्प्लीटली मतलब कि मेरे लिए वो था, ब्रेन मेक ओवर था, क्योंकि उसकी तरह सोचना और यस हम एक हमारे स्वीटी मिसिंग है अभी, सोनू और टीटू यही है, तो बाकी सोनू बताएगी अपनी। सोनू काफी प्यार करते एक दूसरे से वैसे। ओके इन इन शी इज बीइंग सार्कास्टिक। ओके मतलब हमारी दोस्ती काफी देखने को मिलेगी लोगों को। सो अगर मैं अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं, जी सोनू, सो सोनू का ना काफी ड्यूअल पर्सनालिटी आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इनके स्कैमर भी है डेफिनेटली, उसका एक डेविल साइड भी है, बट कहीं ना वो इमोशनली ड्रेन्ड है, इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है, एज इन मुझे ऐसा लगता है कि वो सोनू का कैरेक्टर ना बड़ा क्या मैं बोलूँ, वो बहुत सेंटिमेंटल है, यू नो काफ़ी इमोशनली प्यार के लिए डिपेंडेंट हो सकती है वो, मुझे ऐसा लगता है। प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, ये भी हो सकता है अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बस कभी ऐसा नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज काफी नोटिस की कि हम देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में ही रहता है कि इधर से आप आ सकते हो डायरेक्टली, यू कैन गो टू दिस चैनल और दिस प्रोफाइल, हैव यू एवर सीन इन योर कमेंट सेक्शन? हां जी यस, हां जी हां जी हां जी यस। तो भी आपने महसूस किया, वुड यू लाइक टू एज इन मतलब वो लाइक ब्रीफली अबाउट द स्कैमिंग व्हिच कम्स इन द कमेंट सेक्शन वेयर यू कैन गो डायरेक्टली टू द अकाउंट? जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़ चुकी है, डिजिटल कंपनीज बहुत आ चुकी है जिनके शायद वेयर हाउसेज भी कहाँ होते हैं आपको पता नहीं होता, सो यू गेट दोज मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स की उधर वो बोलते हैं कि अगर आप घर बैठे बैठे 3 घंटे में 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 6 घंटे दीजिए तो आप 50,000 कमाएंगे, 1 महीने में आप 5 लाख कमाएंगे, तो 2 साल में आप अपनी यॉट में घूम रहे होंगे, ऐसा वैसा वो बहुत सारे बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने एडवेंचर के लिए मैंने कहा मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं अभी घर बैठे बैठे 3 घंटे में मैं 6,000 कमाएगा अभी, ठीक है। तो मैं उस पर गया, ठीक है, फिर मेरी बात होनी शुरू हुई, तो वो कहते हैं कि आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए पहले, ठीक है, फिर मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया, फिर उस पर एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैसेज आता है जिसमें एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये आप हमारे ग्रुप पे नहीं बोल सकते, ये चीज़ों को आप प्रमोट नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस ऐसे होता है। फिर उनसे पूछो कि बिजनेस कैसे होता है, कहते हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, पहले आप इसमें 20,000 जमा करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि ये बस एक डिपॉजिट होता है जो आपको, और ऐसी कोई कंपनीज नहीं होती, ये सब स्कैम्स होते हैं। अब जैसे ठीक है, मेरे को ज़्यादा घर पे बैठना नहीं होता, मैं अपनी शूट पे होता हूँ, कभी जिम में होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं, तो मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है। बट आप ये सोचिए जो लोग एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं, घर पे बैठे हैं, और उनको एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो इस बात को सच मान सकते हैं, और ऐसे बहुत बार मानते भी हैं। ये तो खैर ठीक है, हमारा शो सेक्स टॉर्शन से रिलेटेड है, वो उसकी एक ब्रांच हो गई, बट पैसे निकालने के बहुत तरीके हैं ऑनलाइन। हाँ, पूरी तरह से एक तरह जार, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो ये मैसेजेस आम तौर पे आते रहते हैं. खैर आज डेटा सबके पास अवेलेबल है, हमारा डेटा फेसबुक के पास भी है, इंस्टाग्राम के पास भी है, तो वो कई भी मर्चेंट्स को वो नंबर्स डेटा और वो सेल किया जा सकता है, जैसे कि पूरी दुनिया अभी चल रही है. तो आपके नंबर्स बहुत सारे लोगों के पास है जो जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हो, तो वो भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऐसे लिंक्स भेज सकते हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा. और हमें उस सिस्टम का कुछ पता ही नहीं कि वो कंपनी कौन है, कौन चला रहा है. सो यही है कि आप प्लीज़ अगर आपके फ़ोन पे कोई भी ऐसे मैसेजेस आते हैं अननोन नंबर से या फिर कोई बैंक की वो आती है, तो एक बार अपने बैंक से कंसल्ट किए बिना उन पे लिंक पे क्लिक मत कीजिए जहाँ पे कि आपसे कोई भी डिपॉजिट मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है. सो हाँ, मतलब कि बिकॉज दीज थिंग्स हैपन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं. और उसी का एक बहुत ही एडवांस वो हो जाता है, वो सेक्सटॉर्शन हो जाता है, जहाँ पे कि अब तो पैसे देने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है. मतलब कि बेसिकली आपको ऐसा फील करवा दिया जाता है, जबकि अगर शायद हम एक दूसरे से इस बारे में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हों तो हम इस चीज़ को, और अब धीरे धीरे समझा जा भी रहा है क्योंकि मतलब कि साइबर क्राइम किस लेवल तक जा सकता है, धीरे धीरे अब गवर्नमेंट्स को भी पता चल रहा है, एजेंसीज को पता चल रहा है, तो धीरे धीरे यू नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन कि सबके राइट सेफ गार्ड रहें. बट फिर वही है कि वी कांट बी श्योर. आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से there was one episode of Tarak Mehta, and after that the life has completely changed. जी. There were so many people coming to your Instagram. जी. Have you ever thought कि इसके बाद कि I should do focus on the OTT or television or do some reality shows? कभी ये था? Honestly, मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी में कभी कंटिन्यू करूँगी. कभी नहीं, क्योंकि रिजेक्शन तो काफ़ी मिले हैं मुझे. बहुत सो और एक अंदर से ना मुझे ऐसा लगता था कि शायद आई कैन नॉट डू टीवी बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, यू नो. आप 12 to 12 आवर्स का शिफ्ट होता है. मैंने जैसे सुना है अपने सीनियर से, जो दोस्त है, यार ऐसा होता है वैसा होता, तो एक इंसान के मुँह से भी ना मैंने पॉजिटिव नहीं सुना था कि यू नो कि नहीं यार काम है, मस्त करो, पैशन है, जज्बा रखो. ऐसा किसी ने नहीं बोला अरे हाँ यार ऐसा होता है वैसा होता है. बट आफ्टर डूइंग दिस अभी टीवी शो बालाजी का, मेरी यू नो वो जो मेंटालिटी थी ना वो चेंज हो गई. okay. कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है. आई मीन यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू. आप और OTT का जहाँ बात है, मैं सब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. आई थिंक इतना बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिल गया, जैसे डिजिटली हम बहुत ग्रो कर रहे हैं. और एक एक्टर के लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. आप TV, वेब, मूवी, शॉर्ट फिल्म्स हर जगह छा सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो. तो आई थिंक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. और अब तो मैं ओपन टू एक्सप्लोरेशन हूँ. बिग बॉस मी आई डोंट नो. नहीं, आई थॉट लाइक जब मैंने देखा जी, देयर वाज सो मेनी थिंग्स लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द इंस्टाग्राम. जी आई थॉट कि यू शुड गो. सर मुझे ना पता नहीं, अभी एक हफ्ते पहले मेरी मम्मा से बात हो रही थी. अच्छा बेटे छोटे बिग बॉस करोगे क्या? मतलब ऐसे कि जैसे मुझे अभी कॉल आते हो. शी इज़ स्वीट. सो बिग बॉस करोगी कभी? बोला मम्मा पता नहीं. नहीं मत करना, तुम जैसी हो ना तो वहाँ पे लोग तुम्हें मार देंगे, गाली देंगे, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, मत जाना, बिल्कुल नहीं जाना. सो मैंने बोला यार अब माँ बोल रही है मत जाना, लेकिन आई डोंट नो, वहाँ बहुत एक नेगेटिविटी होता है. मुझे ऐसा लगता है ना वहाँ पे एक दुश्मनी जो बन जाती है ना वो लाइफ टाइम रहती है. मैंने ये गौर किया हर सीजन में, आप एक बार किसी से दुश्मन बन गए तो आई थिंक वो चलता है. सर पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है. okay. और बहुत मुश्किल होती है दुश्मनों के बारे में. अरे 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 थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.